She got hips, I got a grip for a lot of ass, don't need that. Hi guys, welcome back to my channel. तो आज की वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, एक मेकअप हैक था जो कि मैंने इंस्टाग्राम में देखा था. और उसमें वो क्या करते हैं, वो लिपस्टिक लगाते हैं अपने यहाँ बहुत सारी. तो ये हैक वीडियो मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत वायरल हो रहा है आजकल और बहुत सारे लोग ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने लिपस्टिक जो है वो पहले लगाई है और उसके बाद अपना कंटूर या कंसीलर जो उन्हें अप्लाई करना है वो किया और उसके बाद उन्होंने अपना फाउंडेशन लगाया. तो ऐसा एक हैक चल रहा है, इस चीज को लेके एक वीडियो बनाई जाए कि आप लोग इस चीज को ट्राई करें और ये फिर कुछ और ही निकले. तो पहले मैं ट्राई करके बता देती हूँ कि ये हैक जो है वो काम करता है या नहीं करता है. काफी वायरल हैक है, जो होती है ना एक्सपेक्टेशन आपकी ऊपर होती है कि हाँ चलो ये वाली हैक तो काम करेगी. वैसे मुझे किसी भी हैक में कोई बिलीव नहीं है, तो इस हैक को आज हम टेस्ट करेंगे. मैंने अपना जो है प्राइमर अप्लाई किया हुआ है, आई मेकअप किया हुआ है. अब मुझे क्या करना है, रेड लिपस्टिक लगानी है. ये डार्लिंग इजेबल की रेड लिपस्टिक, ये मेरी फेवरेट रेड लिपस्टिक है. इसका शेड है 7. अगर आपको एक अच्छा रेड शेड चाहिए तो आप ये लिपस्टिक्स ले सकते हैं. अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे. ये जो है ये लिपस्टिक ब्लेंड ही नहीं हो रही है, शायद मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए आज अपने गालों में एक नेचुरल ब्लश वाली मेकअप लुक के लिए. और मुझे डर इस बात का लग रहा है कि अगर मुझे एक को ब्लेंड करने में इतना टाइम लग जाएगा तो बाकी जो है वो लिपस्टिक लगाया है थोड़ी देर बाद उसने सूखना तो है ही. हद हो गई है, ये ब्लेंड नहीं हो रहा है, जबकि मेरी जो लिप शेड है ये वाला जो है ये मैट लिप शेड नहीं है. ओ माय गॉड, अगर मैं मिरर में देखूं अपना फेस तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फेस पे किसी ने होली खेल ली है. मेरा पूरा ब्यूटी ब्लेंडर पिंक हो गया, थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए. और डर इस बात का भी है कि ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये मेरा वॉश हो पाएगा अच्छे से या नहीं हो पाएगा, इस चक्कर में ये गंवाना पड़ेगा मुझे. हद हो गई, अब इससे ज्यादा ये ब्लेंड नहीं हो रहा है. लिटरली मैंने इसको अपने पूरे फेस में इस तरीके से ड्रैग किया है जो कि बहुत ही गलत है, और इसने मेरे पूरे फेस को इतना ज्यादा ड्राई कर दिया. यहाँ पे पूरी ड्राइनेस हो गई है, पता नहीं क्या है. अब जो है हमने अपना कंसीलर अप्लाई करना है, तो ये पर्पल का कंसीलर है, मैं इसको लूंगी अपनी आईज के नीचे अप्लाई करने के लिए. जहाँ पे भी मैं कंसीलर से हाईलाइट करती हूँ मैं वो कर रही हूँ. अभी तक जो है जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वो मुझे लाइट पिंक सा नजर आ रहा है. और अब आती है हमारे फाउंडेशन की. ये अच्छी कवरेज देता है मुझे फाउंडेशन, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमने जो है अपने फेस पे पूरा रेड लिपस्टिक लगाई थी और उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फाउंडेशन उसके ऊपर चाहिए अगर हमने कोई लाइट वैसा फाउंडेशन लिया जो नेचुरल लुक वाले होते हैं. अब आप मेरे फेस को देख सकते हो कि वो कितना वियर्ड लग रहा है, मतलब ये फाउंडेशन का शेड कुछ और है और जब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे, क्योंकि मेरा स्किन टोन जो है वो ये है और यहाँ हमें मिला है पूरा पिंक वाइट. पर ये अभी थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा तो मुझे लगता है कि एक शेड डीप जाएगा. एक लेयर फाउंडेशन की लगी है और मेरा जो फेस है वो एग्जैक्ट मेरे टॉप के कलर का हो गया है, मतलब बहुत ही वियर्ड, बहुत ही ज्यादा वियर्ड है. कहिए ऐसा करके कोई असली में बाहर चले जाए ना, कैमरे में इतनी मतलब लाइट्स होती हैं, इतनी क्लैरिटी के बाद हमें थोड़ा डिफरेंट दिखता है, स्किन का जो है रियल टेक्सचर जो होता है वो नहीं दिखता है. और अगर मैं अपना फेस जो है मिरर पे देखूं तो नो डाउट मेरे जो गाल हैं वो ऐसे कुछ ज्यादा ही ब्लश से नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे भी पिंकनेस दिख रही है. मेरे ये पूरा फेस, पूरा का पूरा फेस पिंक दिख रहा है. ये और ये शेड पूरी की पूरी मैच हो गया. तो मैं यहाँ पे भी अपना जो है फाउंडेशन लगा लेती हूँ, मैं फिर देखती हूँ कि क्या जो है आता है. एक लेयर लगाने के बाद अभी पिंक लग रहा है, लेकिन मेरा जो नेक है ये नॉर्मल ही लग रहा है. तो मैं एक और लेयर लगाऊंगी अपने फाउंडेशन की यहाँ पे, क्योंकि मुझे पिंकनेस नहीं चाहिए. देखती हूँ कि एक और लेयर लगाने के बाद थोड़ी सी हम जो अपना पिंक लुक जो ये मेरा आ रहा है इसको मैं कम कर पाती हूँ या नहीं. मेरा जो फेस है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्लास्टिक डॉल बन चुकी हूँ. और अगर मैं रियल आपको बताऊं तो मेरे यहाँ पे ना इचिंग शुरू हो गई है. मैं पर्सनली जो मेकअप होता है वो थोड़ा नेचुरल पसंद करती हूँ कि ये ना लगे बहुत ज्यादा केकी है. और मैंने दो लेयर लगाई है अपने फेस पे फाउंडेशन की, और अगर मैं अपने फेस को मिरर में देखूं तो मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे पिंक पिंक नजर आ रहा है, लेकिन मेरा पूरा जो बेस है वो उससे डिस्टर्ब हुआ है. एक थोड़ी
स्टिकीनेस भी हो रही है क्योंकि हमने लिप शेड लगाया था यहाँ पे, पूरे फेस में पिंकनेस है, यहाँ पे ज्यादा पिंक है क्योंकि हमने यहाँ पे जो है सेकेंड लेयर नहीं लगाई थी फाउंडेशन की, वरना मेरा पूरा फेस पिंक टर्न हो चुका है और मिरर में ये और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। मतलब मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये कुछ कुछ ऐसा लगा है जब आप छोटे होते हो और आप एनुअल डे में जाते हो ना, तो आपकी टीचर जो होती है ऐसे सर्कल बना देती है बिल्कुल एकदम ब्लश, उन्हें पता नहीं क्या पड़ी होती है, फिर लिपस्टिक को ऐसे सर्कल करके ब्लश लगा लेती है। वही वाली टीचर ने ये हैक जरूर निकाला। अगर आप मेरी स्किन में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये पूरा मैच कर नेचुरल स्किन है वो ऐसा है, और जो पिंक पिंक एकदम जो मेकअप हो गया है यहाँ पे ना उसके बाद ये बिल्कुल मेरे टॉप से मैचिंग का हो गया एकदम पीच। अगर आपको पीच लुक चाहिए पूरे फेस को पीच कर दो इस तरीके से। तो अगर आपने ये हैक देखा और आपके दिमाग में आ रहा था कि मैं ये हैक ट्राई करूं, तो प्लीज 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 इस हैक को घर में ट्राई ना करें। और वीडियो को मुझे यहीं एंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इचिंग जो है वो शुरू होने लग गई है उस लिप शेड से। अगर आपने बहुत सारा यहाँ पे रेड लगा लिया तो ऑब्वियसली बात है आप जब उसे ब्लेंड करोगे तो वो यहाँ भी लगेगा वो यहाँ भी लगेगा, पूरा फेस रेड हो जाए। अगर आपको ये हैक करना ही है, हल्की सी लिपस्टिक लेनी है जो कि बहुत से मेकअप आर्टिस्ट करते भी हैं रियल में, तो आपने जो अपनी लिपस्टिक लगानी है उसको आपने अपनी फिंगर में ले लेना है, उसको बस इस तरीके से हल्का हल्का अपनी चीक्स पे लगाना है, फाउंडेशन के बाद लगाना है, और हल्का हल्का आपने इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद अपने ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत आराम से बहुत प्यार से उसको ब्लेंड कर लेना। जो ब्लश होगा वो आपके लिपस्टिक के मैचिंग का होगा, बहुत अच्छा लुक आएगा। तो अगर मुझे कभी मौका मिला तो इसको मैं अपनी वीडियो में कभी करके दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अब मैं मिलूंगी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।